हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन, यू एम वी कॉन्फिडेंस, माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना मनी बैंकिंग का एक टॉपिक है जिसका नाम है नाफ्टा। दोस्तों ये आपके ये बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की, अगर आप लोग इंडिया की कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी की बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये खासकर बनारस यूनिवर्सिटी के कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है नाफ्टा। दोस्तों ये नाफ्टा क्या है, आपके बीकॉम एंट्रेंस में साफ्टा से क्वेश्चन पूछा था। अब ये साफ्टा क्या है, नाफ्टा क्या है, साई क्या है, आसियान क्या है, नमा क्या है, इकोनॉमिक यूनियन क्या है, WTO क्या है, इतने सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चीजें हैं जिससे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग सब कुछ कवर करते चलेंगे दोस्तों, जिसके हिसाब से अपना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों टॉपिक कवर हो चुके हैं। अगर आप लोग इसको चाहें तो जाके देख सकते हैं, एक बार देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे विद करंट अफेयर। दोस्तों मैंने टॉपिक्स के अंदर करंट अफेयर को भी इंक्लूड किया है, अगर आपने एक बार वीडियो देखा तो आपके एंट्रेंसेस के जितने भी करंट अफेयर साथ में टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज हम लोग सीखेंगे अपने मोस्ट इंपोर्टेंट बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के लिए कि नाफ्टा क्या होता है। दोस्तों नाफ्टा समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी कि आज के टाइम पे हम लोग जब इंटरनेशनल बिजनेस जब होता है तो उसके अंदर ट्रेड ब्लॉक बन जाते हैं। ट्रेड ब्लॉक का मतलब होता है सपोज कि इंडिया और USA, सपोज एग्जाम्पल ये इंडिया USA ने ट्रेड ब्लॉक बना लिया। ट्रेड ब्लॉक का मतलब अब इंडिया USA आपस में बिजनेस करेंगे बिना किसी बैरियर्स के, मतलब कोई टैक्स कोई भी चीज कुछ नहीं लगाएंगे और आपस में बिजनेस करेंगे, कोई GST, कोई इंपोर्ट ड्यूटी, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे। इंडिया अमेरिका का सामान बेचेगा, अमेरिका इंडिया का सामान बेचेगा बिना किसी बैरियर्स के। दोस्तों ये होता है ट्रेड ब्लॉक, जब कोई दो कंट्री या दो से अधिक कंट्री आपस में मिलकर बिजनेस को करने के लिए एक ब्लॉक बनाती है। इस ब्लॉक के अंदर वो क्या करती है, टैक्स नहीं लगाती हैं, फ्री एंट्री एग्जिट का सामान होता है, कम टैक्स लगाती हैं, ठीक है, तो जिससे बिजनेस आसानी से हो सके। जब ये कुछ कंट्री आपस में कर लेती हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड ब्लॉक। दोस्तों आज के इस इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे कंट्री है जिन्होंने ट्रेड ब्लॉक बना के रखा हुआ है, तो जिनमें से अपना एक है नाफ्टा। अब दोस्तों नाफ्टा क्या है, पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। दोस्तों नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दोस्तों इसमें क्या होता है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ देश हैं जिन्होंने फ्री ट्रेड एरिया बनाया है। दोस्तों फ्री ट्रेड एरिया मतलब कि भाई आपस में बिजनेस करेंगे बिना किसी बैरियर्स के, कोई भी बैरियर्स इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, और आसानी से बिजनेस को करेंगे। तो दोस्तों नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको इसका फुल फॉर्म बताना चाहिए, सीधे आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आया कब था, दोस्तों ये आया था 1 जनवरी 1994। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको डेट को याद रखनी है क्योंकि आपके बीकॉम एंट्रेंस में साफ्टा से क्वेश्चन पूछा है तो नाफ्टा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और एमकॉम एंट्रेंस के तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है पूरा का पूरा। बीकॉम में साफ्टा पूछा है तो नाफ्टा पूछने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। दोस्तों ये करंट अफेयर भी एक तरह से हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं नाफ्टा के पहले क्या था, काफ्टा था, CUFTA। दोस्तों अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाफ्टा काफ्टा साफ्टा जो भी है क्या है, बिल्कुल घबराइए मत। सबसे पहले देखिए काफ्टा, सबसे पहले क्या था, कनाडा और USA दो कंट्री ने क्या किया, मिलकर ट्रेड ब्लॉक बनाया। ट्रेड ब्लॉक मतलब कि आपस में बिजनेस करते थे बिना किसी बैरियर्स के, बिना बस दोनों लोग, अब वो लोग अगर किसी और कंट्री से बिजनेस करेंगे तो टैक्स लगाएंगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, बट जब आपस में करते थे तो कोई भी टैक्स नहीं लगाते थे, एकदम आसानी से बिजनेस को करते थे बिना किसी टैक्स के, बिना किसी बैरियर्स के, ठीक है। तो पहले दोस्तों था काफ्टा, काफ्टा का मतलब कनाडा USA ट्रेड एग्रीमेंट, आपको काफ्टा का भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो कि दोस्तों आया था 1988 में आया था। दोस्तों नाफ्टा के पहले काफ्टा आया था, कनाडा USA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। देखिए दोस्तों USA और कनाडा इनका जो था इसको बोलते हैं काफ्टा, बाद में क्या हो गया मैक्सिको भी आ गया, जब मैक्सिको भी आ गया तो इसको हम लोगों ने कहने लगे नाफ्टा। नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि तीनों कंट्री जो है नॉर्थ की है, तो नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब दो कंट्री थी फिर बाद में आपका नाफ्टा भी आ गया, तो नाफ्टा को मिला के तीन कंट्रीज का बन गया, कनाडा USA और आपका मैक्सिको, ठीक है दोस्तों। तो आपका इसको कहा जाने लगा नाफ्टा, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है दोस्तों, जिसका नाम बता के बाद में USMCA कर दिया गया। दोस्तों USMCA मतलब USA मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। दोस्तों बात को समझिएगा, आपको पढ़ना है नाफ्टा क्या होता है, आपको नाफ्टा का फॉर्म पता चल गया,
नाफ्टा के पहले काफ्टा था, कनाडा यूएसए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके अंदर कनाडा और यूएसए ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, आपस में बिजनेस को करते थे बिना किसी बायर्स के। बाद में क्या हो गया भैया, आपका कौन सा आ गया कंट्री, मैक्सिको भी आ गया। जब मैक्सिको आ गया तो इन तीनों ने मिलकर बनाई और नाम रख दिया नाफ्टा। बाद में नाफ्टा का नाम चेंज करके हो गया यूएसएमसीए, यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या था, बाद में क्या हुआ है, अभी नाफ्टा है, और अभी करंट में नाफ्टा का भी नाम बदल के यूएसएमसीए कर दिया गया, जिसके अंदर तीन कंट्रीज आती हैं, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक है दोस्तों, तो द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए कनाडा इन 1988 के अंदर एक एग्री टू एंटर इनटू एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में आए किस लिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपस में बिजनेस करेंगे बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी रुकावटों के, टैक्स नहीं लगाएंगे, सामान का एंटी एग्जिट फी होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा दोस्तों, इससे सामान सस्ता हो जाएगा और दोनों कंट्री आपस में आसानी से बिजनेस कर सकेंगी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ यूएसए एंड कनाडा ने 1988 के अंदर एग्रीड किया कि वो एग्रीमेंट में आएंगी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या बन गया था दोस्तों, काफ्टा बन गया था। उसका ऑब्जेक्टिव था एलिमिनेट ऑल टैरिफ बाय ट्रेड बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, कनाडा और यूएसए के बीच में जितने भी बिजनेस हुए हैं उसके बीच में कोई भी टैक्स टैरिफ वाइफ एलिमिनेशन उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, जरा कठिन नहीं है। उसके बाद 1991 में दोस्तों यूएसए कनाडा मैक्सिको ने मिलकर नाफ्टा बना दिया, यूएसए कनाडा मैक्सिको ने मिलकर नाफ्टा बना दिया। 1991 में इस्टेब्लिश हुआ, बट काम करना कब स्टार्ट किया, केम इंटू फोर्स दोस्तों नाफ्टा एग्रीमेंट साइंड बाय कनाडा मैक्सिको यूएसए, तीन कंट्री ने साइन किया ऑन क्रिएटिंग TIETL, भैया इसको क्योंकि तीन कंट्री थी इसको TIETL कहते हैं, ट्रेड ब्लॉक, और ट्रेड का ब्लॉक बनाया इन नॉर्दर्न अमेरिका, जो कि फोर्स में आया 1 जनवरी 1994 को। 1991 के अंदर एग्रीमेंट हुआ, बस काम करना कब स्टार्ट किया 1994 को। तो दोस्तों एक बार छोटा सा ओवरव्यू, सबसे पहले दोस्तों काफ्टा था, ठीक है, कनाडा यूएसए ट्रेड एग्रीमेंट था, फिर उसका दोस्तों क्या आ गया, काफ्टा के अंदर मैक्सिको भी आ गया, तो भैया नाफ्टा हो गया, नाफ्टा का नाम चेंज करके यूएसएमसीए कर दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है नाफ्टा का फुल फॉर्म, काफ्टा का फुल फॉर्म, उसके बाद ये आपका नाफ्टा केम इनटू फोर्स में कब आया 1994, एग्जाम पूछ सकता है, काफ्टा 1988 में आया और 1991 को भैया इस्टेब्लिश हुआ था नाफ्टा। ठीक है, इस्टेब्लिश केम इनटू फोर्स 1994। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाफ्टा के पीछे की पूरी कहानी, इतिहास क्या था, नाफ्टा कुछ भी नहीं है, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्योंकि आप लोग बीकॉम एमकॉम इंटरेस्ट में है तो आपको इसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, तब भी मैंने आपको यहाँ पे बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, जिससे आपको कोई भी डाउट ना है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। इतना चीजें आपका खत्म हो गया दोस्तों, ये बात याद रखिएगा, इसको TIETL कहते हैं, TIETL इसलिए क्योंकि सिर्फ तीन कंट्रीज हैं, ठीक है, कनाडा यूएसए और मैक्सिको। स्टार्टिंग में यूएसए और कनाडा का भैया एग्रीमेंट हुआ था जो काफ्टा बना था, बाद में आपका मैक्सिको आ गया था, स्टार्टिंग में आपका यूएसए और कनाडा का था, बाद में आपका मैक्सिको आ गया तो नाफ्टा बन गया था, जो कि नाफ्टा चेंज करके अब आपका यूएसएमसीए हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये एकदम करंट अफेयर है। ठीक, अब आते हैं हम लोग दोस्तों पर्पस, इन तीनों का पर्पस क्या था, मतलब नाफ्टा, देखिए दोस्तों फेमस नाफ्टा ही है, अभी यूएसएमसीए अभी करंट में आया है तो ये ज्यादा फेमस नहीं है, जो अभी भी इसको नाफ्टा कहते हैं, बट अब इसका नाम बदल के यूएसएमसीए हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो पर्पस था, इनकरेज इकोनॉमिक एक्टिविटी अमंग थ्री नेशन, भैया जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है दैट इज बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड, उसको क्या किया जाए, इनकरेज किया जाए। ठीक है, इनकरेज कैसे किया जाए, एलिमिनेशन ऑफ बैरियर्स, बैरियर्स को हटा दिया जाए, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया जाए, फ्री एंड एग्जिट ऑफ गुड्स हो जाए, जिससे ये तीनों कंट्री आपस में अच्छे से बिजनेस कर सके आपस में, अदर जो इनके मेंबर नहीं है उनके साथ ये नॉर्मल बिजनेस करती थी, करती जाएगी टैक्स वैक्स लगा के भैया। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको बताना भूल गया मैं, कि ये ट्रेड ब्लॉक बनाते ही सही है कि मान लीजिए कि यूएसए का कनाडा से बहुत बिजनेस होता है, बहुत ज्यादा यूएसए कनाडा का खूब बेचता है, कनाडा यूएसए खूब सामान बेचता है, तो भैया ये लोग सोचते हैं कि आपस में ट्रेड ब्लॉक क्यों ना बनाए, जिससे दोनों को फायदा होगा, दोनों को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी ये ट्रेड ब्लॉक बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑन September 30, 2018 को नाफ्टा को बदल के यूएसएमसीए कर दिया गया, यहाँ पे जो हमने देखा था ना, नाफ्टा को बदल के यूएसएमसीए हमने कर दिया था। उसके बाद जो इसका, इसको TIETL ट्रेड ब्लॉक कहते हैं, TIETL ट्रेड ब्लॉक कहते हैं नाफ्टा को, TIETL, क्योंकि इसके अंदर तीन ठो भैया कंट्रीज हैं, आपके कौन सी हैं, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर है, कहां कहां से इसके हेड ऑफिस कंट्रोल किया जाता है, तो मेन जो है भैया Washington DC, बट इसके और भी जगह जहां पे इसके हेड ऑफिस, जहां पे इसके काम होते हैं, जैसे आपका हो गया ओटावा कनाडा,
मेक्सिको सिटी, वॉशिंगटन डीसी एंड यूएसए। ठीक है दोस्तों, आपका नाफ्टा का सारे टॉपिक खत्म हो गए। दोस्तों दो ठो फुल फॉर्म है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो आपको उसको पढ़ के जाना होगा। नाफ्टा पढ़े तो नाफ्टा के अंदर ये दो फुल फॉर्म थे। दोस्तों एग्रीमेंट के साथ साथ में ये कंट्री आपस में दो ठो एग्रीमेंट और भी की थी, जिनका नाम है नैक और नैक, नैक और नैक। दोस्तों ये क्या था कि नॉर्दर्न अमेरिकन एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कॉपरेशन, एनवायरमेंट के अंदर दोस्तों कॉपरेशन में जाएंगे, मतलब एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे उसके ये आपस में समझौता करना, एक तरह का एग्रीमेंट हुआ था बीच में इन कंट्रीज के बीच में। और दोस्तों नैक नॉर्दर्न अमेरिका एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉपरेशन, जो भी मजदूर यूएसए से कनाडा, कनाडा से यूएसए, मेक्सिको आपस में आते जाते थे उनके ये भी एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों। तो आपको मतलब नहीं है, फुल फॉर्म याद करके जाना है। ठीक है, ठीक है, फुल फॉर्म क्या आपका नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एग्रीमेंट ऑन एनवायरमेंटल कॉपरेशन, एनवायरमेंटल कॉपरेशन, नॉर्थ अमेरिका एग्रीमेंट ऑन लेबर कॉपरेशन, तो नैक और नैक। दोस्तों ये आपका नाफ्टा के अंदर एग्रीमेंट हुआ था। तो अपना नाफ्टा का टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो आपके एंट्रेंस में पूछेगा। सीधे आपको फुल फॉर्म कब आया, काफ्टा, यूएसएमसीए, डेट्स, कहां से एडमिनिस्ट्रेशन होता है एंड इसके दो फुल फॉर्म, और कुछ भी नहीं दोस्तों जो आपसे पूछ सकता है। तो आज का अपना टॉपिक ये खत्म होता है। बहुत जल्दी हम लोग बाकी के जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं उसको भी खत्म करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप एंड अच्छे से, जिससे आपके एग्जाम में पूछा गया एक भी क्वेश्चन छूटे ना, है ना, हम लोग अच्छे से अपने बीकॉम या एमकॉम एंट्रेंस को निकाल सके। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतने अच्छे अच्छे वीडियो जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग कमेंट भी जरूर किया कीजिए। दोस्तों अगर आपको इसके पीडीएफ नोट चाहिए तो आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ऑल इंडिया बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के पीवीएस ये पेपर, साथ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट भी फ्री में अवेलेबल है। तो जाइए जाके डाउनलोड कीजिए एंड बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।